झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ के अध्यक्ष अजय राय के साथ रांची बिजली वितरण निगम के मुख्य अभियंता पी के श्रीवास्तव सहित विभागीय अधिकारी एवं निजी एजेंसी की ओर से रवि कुमार सिन्हा आनंद भगत के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें सहमति बनी कि 15 सितंबर से रांची एरिया बोर्ड के सभी डिवीजन में एरियर का भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। अजय राय ने बताया कि पिछले 2017 से लेकर जून 2020 तक की अवधि का एरियर भुगतान जो लगभग 4 करोड़ रुपए रांची एरिया बोर्ड में है, उसका भुगतान को लेकर आज ही वार्ता में एजेंसियों के साथ तय हुआ कि जो भी लंबित कागजात हैं उसे जमा कर 15 सितंबर से भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और दुर्गा पूजा के पहले सभी डिवीजन में इसे दे दिया जाएगा। आज जीएम रांची से अभी वार्ता हुई है और सभी एजेंसी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और एरियर वाले मामले पे अभी हम लोग की सहमति बनी है कि एजेंसी की तरफ से कई कुछ पेपर की कमी है, उस पेपर को जमा कर देंगे और कोशिश यही है कि 15 सितंबर से हर एक डिवीजन वाइज एरियर का भुगतान शुरू हो जाएगा और दुर्गा पूजा से पहले सभी एरियर का भुगतान हर डिवीजन में कर दिया जाएगा। अभी इन्हीं सारी सहमति के उपरांत हम लोग के बीच बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में, क्योंकि वर्करों को लेकर के जितना जो वर्करों के बीच में आक्रोश था कि उनका अभी तक एरियर का भुगतान 2017 से लंबित है वो नहीं हो पाया है, लेकिन कम से कम दुर्गा पूजा से पहले उनको ये सौगात जरूर दे दी है।